मकान ने उस अलावा बिल ही ज्यादा ने इना किराया नहीं है जिन्ना बिल आ जाने की करदा जी मजदूरी करने डेली रोजाना दी नहीं को लगती है कदे नहीं लगती महीने तो दो दिहाड़ियां तीन लग गई हैं बस महीने भी सिर्फ दो दिहाड़ी तो होर के इत्थे केड़े कारोबार खुले ने कोई कारोबार ही नहीं कौन है घर विच हैं कौन है घर विच घर विच नौ तकरीबन दस जी बनदे आ थे घर दे इंज गुजारा होंदा फिर वो फिर अल्लाह ही वारिस होर की है किसी ने देने ते नहीं है अल्लाह ही वारिस है जो मजदूरी कर ले कोई बच्चों ने कर ले कोई ऐसी कर ले गुजारा ही करना 12000 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਜ ਦਵੋਗੇ ਕਿੰ ਤਾਰੋਗੇ ਉਤਾਰਨਾ ਪੜਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ 12000 12000 ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ 12000 ਹੀ ਇਨਕਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਚਲਾਤੇ ਹੈ ਏਸੀ ਚਲਾਤੇ ਕੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੈਣ ਦੀ ਓਏ ਸਿਰੇ ਪੱਖੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦੋ ਇੱਕ ਫਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਦੋ ਪੰਖੇ ਚੱਲਤੇ ਕਮਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ एक कमरा जी एक कमरा एक कमरा दो पंखे 12000 बिल आ गया भाई क्या बात है कैसे उतारेंगे ये वो मजदूरी करके उतारेंगे और की करना अंकल जी हुकूमत तो खुश है हुकूमत नु की करिए हुकूमत जेड़ी भी आंदी हो अपने पेट से हाथ मार दियो किसी के पेट से हाथ नहीं मार उन्हें माड़े बंदे नु की देखना मुस्लिम लीग नून ते कहंदी है असी आम बंदे दा सोच रहे हैं आम बंदे दा सोच रहे नहीं मैं हर बंदा गल्ला ही करदा है कोई किसी से नहीं सोचता मजदूर की फिर भी कोई नहीं सोचता जो अगर कुछ देने ने तो कोई बड़े लोग ही खा जाते हैं मिसाल उन्होंने जो सोसाइटियां बनाई ने मकान है ये बड़े लोग ही लैन गए सानू नहीं लभने वो तो कहते हैं जी असं बिल कर दिता दे मकान बना देंगे पे या डॉक्टर छोड़े ने पिंड थमें वो की करते हैं कोई भी नहीं आता साढ़े को अच्छा लाइट कितनी जाती है जी लाइट कितनी कुछ जाती नहीं लाइट साढ़े को नहीं जाती नहीं घंटा दो घंटे बस घंटा दो घंटा लाइट जाती है जी दस एक कमरे का इनका घर है 12000 कराया और 12000 ही बिल भेज दी है मतलब कि आप फ्री ने भाई एक मजदूर शख्स उम्र देख लें आप उनकी मैं कहती हूँ जी हम बाहरी कंट्रीज़ की अगर बात कर ले तो उसमें आप जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको रिलीफ दिया जाता है और यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स मजदूरी करके भी अपना पेट नहीं पाल पा रहे उन्होंने क्या घर वालों की बच्चों की कफालत करनी है की पैगाम देना चाहते जो तुम असं की पैगाम देिए कोई सहूलत करें साढ़े कोई महंगाई घट करें बिल जिमें हूँ बदे जा रहे हैं बदे जा रहे हैं ये घट करें या कोई सस्ताई दे मैं कोई राशन दे अंकल जी मैंने तुम परेशान करता जे महीने में एक दो दिन तो दिहाड़ी लगती जे कि वड्डी लग जाती 10-20000 लगता है और नहीं 10-20000 कहते दो दिहाड़ियाँ या 4 लग जाए तो 1500 तो दिहाड़ी है मजदूर की 1500 दिहाड़ी जे तो महीने में अगर 2 लगन तो 3000 बन हाँ जी 3000 में बंदे ने खाना खाना जे घर दियां नु खिलाना जे बिल तारने जे किराया देना जे किंज करना जे बस फिर कोई बच्चे घर आंदे ने कोई असी कर लेने चलो गुजारा ही करना और की मतलब बचदा फिर कुछ नहीं नहीं बचण दी गल कोई नहीं एक रोटी मुश्किल है रोटी मुश्किल है हुकूमत कोई भी आई है रोटी साडी मुश्किल है बहुत हुकूमत कोई किसी दा फायदा नहीं सोचदी माड़े बंदे दा वैसे ही फायदा नहीं सोचदी दुबई जा रहे ने माड़े बंदे ये जी ये है आपके मुल्क की रियल पिक्चर कि आवाम आपसे किस कदर मायूस है नाराज़ है परेशान है स्पेशली अगर हम बात करें मजदूर तबके की तो कहीं ना कहीं से हर जगह से मजदूर तबके को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कोई भी आता है अपने ट्रिन्योर में वादे करता है दावे करता है बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आता और वही आपको डेकोरेशन नज़र आ रही हैं तरक्याँ जहाँ पर तरक्याती काम जो है वो आपको डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं ना वो खूबसूरती में नज़र आएंगी आपको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कितना बिल है 20000 बिल आ गया हाँ जी किराए का कार जी नहीं अपने क्या लगाया हुआ घर के अंदर पंखे चलते हैं ना कोई कूलर है ना कोई एसी है कितने पंखे उनका जो यूनिट का हिसाब से बिल भेज रहे हैं उसके अलावा कोई उनकी है ही नहीं कि 200 यूनिट है तो उसका बिल है 4000 201 यूनिट हो जाए तो उसका बिल है 10000 ये क्या इनका तरीका कार है वो तो कहते थे हम 200 यूनिट फ्री देंगे 4000 वो जरदारी का बेटा कहता था 300 यूनिट फ्री देंगे ये फ्री दे रहे हैं हमें तो जीना मरना हमारा हराम कर दिया उन लोगों ने हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं उन लोगों को कोई एहसास ही नहीं है अपनी अयशियाँ हो रही हैं उनकी सारी पूरी हर चीज़ हो रही है गरीबों को मारा जा रहा है
अभी देखे ये रेडियां भी उठा रहे हैं, ये गरीब मार नहीं है और क्या है, गैस पे ऊपर देखे क्या चल रहा है, धमाका हो गया उधर, इधर लोगों की गैस बंद हो गई है, घरों में आती नहीं है, दुकानों से मिल नहीं रही, 300-350 रुपए किलो दे रहे हैं, क्या इधर हुकूमत मर गई है, अब इनको नज़र नहीं आ रहा, अब किधर गए हैं ये सारे, कोई भी किसी चीज़ को रोकने वाला नहीं है, टमाटर सब्जी जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ का रेट अपना अपना बनाकर बैठ 250 रुपये किलो टमाटर कर दिए, क्या गरीब खाएगा, हम लोगों ने तो लंगर के पीछे ही भागना है ना, इन लोगों को क्या लगे, ये तो बैठे हैं आराम से अपनी अय्याशियाँ कर रहे हैं, इनकी तो अय्याशियाँ चल रही हैं, आटा कर दिया सस्ता, बाकी चीज़ों का पता ही नहीं है, आटा सस्ता दे के हमारी जान बिलों में से निकाल रहे हैं, गैस का बिल 10,000 उसका बिल है, गैस का बिल 10,000 साबित कर सकता हूँ, मेरे पास घर में सारे बिल मौजूद हैं, 10,000 जिस बंदे को गैस का बिल आ जाए वो किधर जाएगा, क्या हमने किसी को दोजक वालों को दे दिया गैस घर की, वही घर का गैस का बिल है, पुराने बिल आपको दिखा सकता हूँ, 300-250 से ज़्यादा नहीं था, मीटर चेंज करके इन्होंने हमें लूटना शुरू कर दिया, क्या करते हैं, रिक्शा चलाता हूँ, मेहनत मजदूरी करके, मतलब वो जो खाना खाना है बंदे ने वो नहीं पूरा हो रहा आजकल, खाने की अपने अशिया इतनी महंगी कर दी है कि बिल्स का, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की तालीम रह गई है, भूखे मार रहे हैं, 500 रुपए किलो घी मिल रहा है, कोई चीज़ कोई कंट्रोल है ही नहीं है, लहसुन अदरक हर चीज़ का जाके पता करो 500-600 में हंडी नहीं बकरी घर की, इनको कोई पता नहीं, सिर्फ आटे पे जोर कर दिया, आटा सस्ता दे दिया, मैंने दसो तुसी के 5-6 साल पीछे चले जाओ कितना बिल आंदा सी, 5-6 साल पीछे चले जाएं तो आपको बता रहा हूँ गैस का जो बिल है वो 250 रुपया था, उसके बाद बिजली का जो बिल था 5,000 रुपया, गर्मी में जो बिल आता था ना तो बंदा परेशान हो जाता था कि 5,000 बिल आ गया किधर जाएं, आज बिल की लिमिट चेक करें 200 यूनिट पे, मैं आपको बता रहा हूँ कि 4,000 बिल है, 201 यूनिट होता है तो 10,000 बिल हो जाता है, ये क्या तरीका है, ये क्या पैगाम देंगे हुकूमत को, क्या पैगाम, हम तो हुकूमत को ये पैगाम देंगे कि हमारे जान छोड़ दें, अल्लाह करे ये सारे गर्क हो जाएं, हम लोगों को कर रहे हैं हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह करे ये भी मर जाएं, ये भी हमारी तरह मजदूरी करके अपने घर चलाएं ना, फिर महंगाई करें, देखेंगे हम कैसे कैसे उतारेंगे ये बताएं, ये अब यही होगा कि कहीं किस्तों में से कोई चीज़ उठाएंगे, उसको सेल करेंगे, उधर से भी सूद पड़ेगा, फिर जाके हम अपना बिल जमा करवाएंगे, तीन तारीख का बिल है, रोटी सस्ती करके महंगा कर दिता 200-200 रुपए की प्लेट, केड़ा बंदा खावे, इन्हां नूं कोई शर्म आई है नहीं, आवाम नूं गरीबां नूं मारन दे लक बन्ने इन्हां ने।